देख रहे हैं crime100news.com, साथ मैं हूं आपके अपर्णा। चलिए रुक करते हैं आज की कुछ ताज़ा तरीन खबरों की ओर। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? कहाँ से आए हैं आप लोग? क्या समस्या लेकर के आए हुए हैं? हमारा 15,000 रुपये हमारे सामने रखा राम मकान, और वो 15,000 रुपये कम से कम साल भर होते आ रहे हैं, नहीं देने को नाम दे रहा है। अब फिर 10,000 और मांग रहा था, तो हमने कहा हमारे पास नहीं है, तो फिर ये लेके तमंचा हमारे घर में अंदर घुस के फायर किया। अब फायर करके अब बाहर को भगा, जल्दी से हम उसे जल्दी से दरवाजा लगाए, फिर दरवाजा गाली गलौज करता रहा, दरवाजा के बाहर इतनी फायर चुनाई। कौन है, कौन है ये जिसने फायर किया? अच्छा, तो इसके बाद आप लोग कहाँ पर गए थे? थाने गए थे आप लोग? हाँ, थाने गए थे। अच्छा, थाने में वो कह दिया कि ठीक है, जब तुमको लिखे तब बताना। कौन से थाने गए थे आप लोग? कोतवाली। कोई कार्रवाई नहीं, कोई कार्रवाई के लिए बोले हैं? हाँ, कार्रवाई के लिए वहाँ भेजा था भैया, चौकी चौकी कह रहे थे कि ऐसा है कि जब तुम्हें दिखे जब बताना, तो हम 12 नंबर वो आगे पकड़ ले गए। वो कह रहे हैं कि इधरी सुलह हो जाओ, हमको सुलह नहीं हो रहा है। अच्छा, हमारा 15,000 रुपये थे और ऊपर से ये तमंचा ले थी, कहे को घुसा हमारे घर में, हम आदमी लड़का नहीं, हम बैठे। तो अभी आप लोग एसपी के पास में आए थे, मुलाकात हुई आप लोगों की? एसपी साहब नहीं है। अच्छा, क्या कहा है उन्होंने? हाँ, क्या चाहते हैं आप? हम ये कहते हैं उसको छोड़ा ना दिया, उसको गिरफ्तार किया जाए, उसको माल बरामद क्यों हमारे अंदर घुसा, और जाने पीछे लिए बैठे हैं क्यों अंदर हमारे घुसा, इससे फायदे की हम मानते नहीं हैं। देख लो किसी मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया, देखिए फायदे।